नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी रुहेला। इंडियन क्रिकेट टीम अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। सीरीज का तीसरा मैच आज यानी 4 अक्टूबर इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे से शुरू होगा और मैच में टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम की शुरुआती दिनों में मैच जीतकर ही उन्होंने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई है और अगर इंडियन टीम इंदौर में होने वाले तीसरा मैच को जीत जाती है तो ये सीरीज 3-0 से यानी कि क्लीन स्वीप कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली ये अच्छी बात रहेगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान KL राहुल इस तीसरे T20 मैच में नहीं खेलेंगे, उन्हें आराम दिया गया है और अब कोहली और राहुल सीधे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मैदान में दिखेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारतीय टीम बगैर कोहली और राहुल के उतरेगी। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का पूरा मौका है और आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर भी मैच खेलते दिखाई दे सकते हैं। गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं और इस मैच में उन गेंदबाजों को भी मौका दिया जा सकता है जो वर्ल्ड कप में शामिल है। टीम इंडिया लगातार 5 T20 सीरीज से जीत रही है और साउथ अफ्रीका को हराने के साथ ही टीम ये लगातार 5वीं T20 सीरीज जीती है। बता दें कि भारतीय टीम का लगातार 9 बायलेटरल T20 सीरीज में बेहतर रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया इन सभी सीरीज में एक भी बार नहीं हारी है और इस दौरान टीम ने 8 सीरीज जीती है जबकि एक ड्रॉ खेली है। अफ्रीका के खिलाफ ये 8वीं जीत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। थैंक यू।